एक आदमी जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वो उस व्यक्ति से बड़ा होता है जो युद्ध में हजारों पुरुष पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि जो खुद पर विजय प्राप्त कर सकता है वही इंसान इस पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। योद्धा वो नहीं होते जो हमेशा जीतते हैं, बल्कि योद्धा वो होते हैं जो हमेशा लड़ते हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा मेहनत करते रहो। आज अगर हार है तो कल जीत भी होगी। पहली बार में शायद ही आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन पहली बार में तो सब कुछ ही मुश्किल होता है। आप केवल उसी तरीके से लड़ सकते हो जिस तरह से आपने प्रैक्टिस की है। इसलिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए और सही तरीके से करो, क्योंकि आप उसी तरह लड़ोगे जिस तरह आप प्रैक्टिस करोगे। एक चीज से 10,000 चीजें सीखो। कहने का मतलब है कि 10,000 अलग अलग चीजें सीखने का कोई मतलब नहीं। भले ही आपको नॉलेज बहुत होगी पर वो आपके इतने काम नहीं आएगी। इसके बजाय आप एक ही चीज में मास्टरी को अचीव करें और उसी के बारे में 10,000 अलग अलग चीजें सीखें, क्योंकि यही आपकी एक अलग पहचान बनाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, मुझे बस इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। मैं अपनी मर्जी से जीना चुनता हूं, ना कि किसी संयोग से। मैं किसी मौके की तलाश नहीं करता, मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं। और इस दुनिया के बारे में गहराई से सोचे। आपकी रियल लाइफ तभी शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अपनी ईगो को, अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के आप ये सोचते हो कि मैं इस वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। जब आप ये जान लेते हो ना, तब आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। नीचे ना गिरने में कभी भी आपकी जीत नहीं होती, जीत तो हर बार गिरने पर भी खड़े होने में है। अपनी एक हार को कभी भी आखिरी हार ना समझे। कल की जीत आज का अभ्यास है। जो आप आज करोगे उसी के बेस पर आपकी कल की जीत निर्धारित होगी। जितना अधिक आप ट्रेनिंग में पसीना बहाएंगे उतना ही कम युद्ध में खून बहाएंगे। यदि आप तलवार निकालकर उसे हमेशा घुमाते रहेंगे तो कोई भी आपके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा और न ही आपके पास कोई सहयोगी होगा। लेकिन अगर आप इसे कभी भी नहीं खींचेंगे तो यह सुस्त और जंग खा जाएगी। लोग मान लेंगे कि आप कमजोर हैं। यानी कि किस सिचुएशन में आपको तलवार चलानी है और किस सिचुएशन में नहीं, यही चीज आपको एक रियल वॉरियर बनाती है। एक योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर दिन अपनी पूरी आत्मा के साथ उस लक्ष्य के लिए इच्छा करना। आपको ये बात समझनी चाहिए कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के एक से अधिक रास्ते हैं। पहाड़ पर चढ़ने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, इसलिए भीड़ का पीछा मत करो। अपना एक अलग रास्ता बनाओ और उस पर चढ़ जाओ। अपनी मुसीबतों के पहाड़ के ऊपर वो सब कुछ है जो हमें चाहिए होता है, और उस पहाड़ पर चढ़ने का कोई एक रास्ता नहीं है। इसलिए अपना एक अलग रास्ता बनाओ और उसे फॉलो करो, क्योंकि अगर आप दूसरों को फॉलो करोगे तो आप एक फॉलोअर बनोगे, लेकिन अगर आप खुद को फॉलो करोगे तो आप एक लीडर बनोगे। एक समुराई को हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए, फिर वो चाहे खुद की हो या किसी और की। 1,000 दिन डिसिप्लिन के और 10,000 दिन मास्टरी को अचीव करने के। जिस चीज का या फिर जिस काम का कोई यूज ना हो उसे यूज मत करो। उम्मीद करता हूँ ये सारे कोर्स आपको पसंद आए होंगे। लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।